समाज के गौरव और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगातार संघर्ष को जीने वाले बुंदेलखंड के महान क्रांतिकारी राजा हृदय शाह की याद में उनके देवलोक गमन तिथि पर स्वजाति बंधुजन द्वारा दो दिवसीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन 27-28 अप्रैल को ग्राम कीरपानी स्थित राजा हृदय शाह सेतु के नजदीक होना है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोधी लोधा लोध समाज के लोगों का समागम होगा। अंग्रेजों की दमनकारी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन करने और लड़ने वालों की प्रतिमाओं को हर वर्ष गौरव दिवस के रूप में लोधी लोधा लोध समाज द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता के संघर्ष में बुंदेलखंड के राजाओं जमींदारों सहित मालगुजारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजों की तानाशाही और जुल्मी रवैये की सीधी खिलाफत की थी और उसमें जिले के राजाओं का महीनों अंग्रेजों से लड़ना इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नरसिंहपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से ब्रिटिश साम्राज्य का सीधा विरोध होता रहा है। यही वजह थी कि स्थानीय राजा हृदय शाह लोधी हीरापुर, गौंड राजा डेलन सिंह मदनपुर, गजराज सिंह हीरापुर, राजगौंड राजा नटवर सिंह दिलवार जैसे अनेक संघर्ष करने वालों को अंग्रेजी सरकार ने मौत की नींद सुला दिया। उसी त्याग और संघर्ष को आदर्श मानते हुए एक विशाल गौरव दिवस समारोह होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई क्षेत्रीय विधायक नरसिंहपुर कर रहे हैं। राजा हृदय शाह जी को जो भाई है गजराज सिंह जी, उनका बख्तर एक कुंटल का जो आज नागपुर को म्यूजियम में रखा, उन पर 2000 के नाम था, उनको 29 नवंबर 1857 को चंडालगढ़ में फांसी हुई है। राजा हृदय शाह जी के जो बेटे थे मेहरवान सिंह, उनको जिंदा और मुर्दा पकड़ने के लिए 2500 का नाम नरसिंहपुर जबलपुर और दमोह जिले में था, और इसी प्रकार से फिर उन पर भी जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए 5 गांव देंगे, एक बंदूक देंगे, लाइसेंस देंगे, मगर वो जिंदा नहीं पकड़ा। उन सबकी मूर्ति राजा हृदय शाह की जहाँ मूर्ति लगी है उस स्थान पर कीरपानी, जो ब्रिज का नाम भी राजा हृदय शाह सेतु रखा गया है, वो किला एक हमने बनाने का बना प्रयास किया, उसमें 4 मूर्ति लगाई जाए, राजा डेलन साहब की, नरवर साहब जी की और हमारे मेहरवान सिंह जी, गजराज सिंह, 4 मूर्ति 28 अप्रैल को है। नरसिंहपुर से तीरथ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।